नमो बुद्धाया प्यारे साथियों आप लोग कैसे हो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे तो प्यारे साथियों आज का विषय है भगवान बुद्ध की विरोधी जादू तोना करके लोगों को धर्म दीक्षा देने का दूसरा रूपन भगवान बुद्ध के बारे में हमेशा उसकी विरोधी दूसरा रूपन लगाते ही रहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये किया भगवान बुद्ध ने वो किया भगवान बुद्ध जादू तो ना जानती है भगवान बुद्ध ये करके वसी करता है तो क्या सच में भगवान बुद्ध ऐसा करते हैं तो शुरू करने से पहले मेरे प्यारी साथियों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी बे अल... आइकन को क्लिक करें तो प्यारे साथियों आरम्भ करते हैं एक बार भगवान बुद्ध विशाली के एक गांव में ठहरे हुए थे उस समय भतिया नाम की एक उपासक तथागत के पास आया और बोला भगवान लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है वो जादू तो ना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है जो लोग ऐसा कहते हैं उनका कहना है कि जो भी लोग भगवान बुद्ध के पास जाएंगे जादू तोना करके अपने वश में कर लेंगे भगवान हम उन लोगों के इस आरोप में विश्वास नहीं करते लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं इस विषय में क्या कहना है तो भगवान बोलते हैं भदिया उपासक सुनो किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो यह परंपरा से चली आई है किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है किसी बात को इसलिए मत मानो यो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क के अनुसार है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो न्याय के अनुसार है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपर तौर पर वह मान्यतापतीत होता है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है तथा किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी ही चाहिए तो भगवान बुद्ध का ये शिक्षाएं हैं किसी बात को क्यों किसी मानने नहीं दिया तो उसके आगे कहते हैं भगवान बुद्ध लेकिन भदिया है उपासक यदि तुम अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक क्रम पाप क्रम है अमुक क्रम अकुशल क्रम है उसकी द्वारा अमुक क्रम हानिकारक है तो हे उपासक ऐसे क्रम का तुम त्याग कर दो भगव उसके आगे कहते हैं अब जहां तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है मैं तुमसे ही पूछता हूं कि जो जो लोग मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगाते हैं क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं तो भदिया कहते हैं भगवान वे है वे ऐसे ही हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो भदिया क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो और लोभी के वसीभूत हो अपनी महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता वह दूसरे अकुशल क्रम नहीं करता तो उपासक कहते हैं करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं भदिया जब ऐसा आदमी दोष और बदला लेने की भावना के वसीभूत हो जाता है तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझता है कि वह उसकी महत्वाकांक्षा के पद के बादक है, झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरे को प्रेरित नहीं करता तो उपासक कहते हैं भगवान करता है तो भगवान कहते हैं मैं तो इतना ही कहता हूं मैं कहता हूं कि आओ लोप युद्ध विचारों के वसीभूत मत हो यदि तुम उन पर काबू रखोगे तो तुम मन वचन क्रम से कोई काम ऐसा ना करोगे जिसके मूल में लोभ हो दोष और मोह अविद्या अर्थात अज्ञान के मत हो तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे उपासक जो श्रमण भमन मुझ पर यो आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है वो जादू ना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है वह झूठे हैं, मृषावादी है तो उपासक कहते हैं भगवान आपका यो जादू भरे भाग्य की बात है आपका यह जादू बड़ी सौभाग्य की बात है भगवान क्या अच्छा हो कि मेरी सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा भगवान यदि सभी मनुष्य इस जादू की वसीभूत हो जाए तो निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा इसमें कोई संधि नहीं भदिया भगवान बुद्ध कहती है यह बात निश्चित है भदिया कि यदि इस जादू के वसीभूत होकर सभी अकुशल क्रमों का त्याग कर दे तो यह संसार के हित और सुख के लिए होगा तो ये रहा भगवान बुद्ध की शिक्षा जो कि हमारे लिए बहुत ही बहुत ही उपयोगी है बहुत ही ख़ास है तो मैं कहता हूँ कि मान लो अगर आपको किसी ने एक आम दे दिया वो कहा यो आम मीठा है तो आप भी क्या मीठा ही कहोगे क्या उसको चखे बिना उसको खाए बिना आपको कैसा पता होगा कि यो आम मीठा है इसलिए भगवान बुद्ध कहता है जब तक तुम अपने अनुभव से यो नहीं जान लेती कि यह आपके लिए कितना हानिकारक है यह आपके लिए कितनी अच्छे हैं तब तक इस बात को या उस बात को नहीं मानना चाहिए तो प्यारे साथियों आस बस इतना तक आप लोगों को यह कैसा लगा कमेंट करके हम हमें बताइए और फिर नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे तब तक के लिए नमो बुद्धाया